मुरादाबाद में एक फर्जी झोला छाप डॉक्टर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। अब्दुल्ला पठान नाम का एक फर्जी यूट्यूबर सोशल मीडिया के जरिए अपने आप को डॉक्टर बताकर कई बीमारियों का इलाज करने का दावा करता था, जिसको लेकर अक्सर दूर दूर से लोग उसके पास इलाज के लिए आते थे। बताया जा रहा है कि अब्दुल्ला नाम के इस यूट्यूबर की सोशल मीडिया पर काफी फैन फॉलोइंग है। यूट्यूबर के वीडियो और रील देख लोग दूर दूर से इलाज के लिए फर्जी यूट्यूबर डॉक्टर के पास आते थे। इस यूट्यूबर के झांसे में पुलिस प्रशासन के लोग भी थे। कई बार इस यूट्यूबर ने अधिकारियों के साथ भी मंच साझा किया था। अब्दुल्ला नाम के इस शख्स ने बहुत ही कम वक्त में करोड़ों की संपत्ति अपने इस धंधे से बना ली थी। छापेमारी में स्वास्थ्य विभाग को इसके अस्पताल से बिना नाम और मार्क की बड़ी तादाद में दवाइयाँ मिली है। फिलहाल अस्पताल को सील कर दिया गया है। वहीं आरोपी झोला छाप डॉक्टर अब्दुल्ला मौके से फरार है। जब्त की गई दवाइयों को अब जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। एसीएमओ डॉक्टर संजीव बेलवाल ने बताया कि लंबे वक्त से लोगों की शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर मामले में कार्रवाई की गई है। अब्दुल्ला पठान के नाम से यूट्यूबर्स हैं, उसमें कुछ मेडिसिन का वो व्यवसाय करते थे, उनकी एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुरादाबाद ने एक कंबाइन टीम गठित की थी। उसके आज यहाँ पे उसके नमूने यहाँ से लिए गए हैं। तो जो शिकायत मिली थी, तो उसके साथ में जो भी विधिविक कार्रवाई होगी, इस सैंपल के रूप में ये भेजे जाएंगे लेबोरेटरी में कि इसमें क्या है, क्योंकि इसमें यह पाया गया है आज निरीक्षण के दौरान कि उसमें कोई भी पेटेंट नाम, किसी कंपनी का नाम इत्यादि नहीं लिखा हुआ था, तो उसके लिए जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। आपको बता दें कि यूट्यूबर अब्दुल्ला अपने पहले वीडियो में ताकत का प्रदर्शन करते दिखा था, लेकिन जैसे जैसे उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती गई, उसने फिर इलाज करने का काम शुरू कर दिया। उसकी वीडियो देखकर देश भर से लोग इलाज के लिए दवा लेने उसके पास आते थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अब इस यूट्यूबर की पूरी कुंडली खंगालने में जुट गई है।